उमा 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 अल नहीं तेरा सस्ता चश्मा करो बंदर कैसा लग रहा है चश्मे में। इंतजार की घड़ी ना वैसे भी खत्म होने गई, बस 2-3 घंटे का देर है हमारे प्यारे रामलला के दर्शन होने को है। आप सभी को ना ढेर सारे प्यार के साथ हैप्पी दिवाली, जो 500 साल के बाद आज हम सेलिब्रेट करेंगे। अभी ना सुबह के 5:10 हुई है, बाहर बहुत ही अंधेरा है, तो मैंने सोचा यहाँ पर ही अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं फटाफट ना अपनी रनिंग और एक्सरसाइज खत्म करती हूँ। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो भाई ये सब यहाँ पे ना सारी तैयारियाँ चल रही है खाने पीने की, जो हमारे राम लल्ला के लिए है। और मेरे घर पे तो क्या सभी के घर अभी तो लोग सो ही रहे हैं। आज ना मैंने फटाफट अपनी रनिंग खत्म की, साथ में एक्सरसाइज भी, पर पता नहीं 22 जनवरी को आज इतनी ठंडी थी कि यार अपने मुंह में से ना धुआं निकल रहा था। फिर मैंने ना अपने जो मॉर्निंग फ्रेंड्स है अंकल आंटी उन लोगों के साथ थोड़ा सा बैडमिंटन खेलकर सीधा घर निकल गई। भाई आसमान भी ना भगवा के रंग से रंग चुका है। देखो बैकग्राउंड में भगवा का सॉन्ग तो सुनाई दे रहा है ना भाई, हर जगह पे चारों ओर भगवा भगवा ही है। एक साइड यहाँ पे भगवा की प्रसाद चल रही है, ये हमारे राम जी की, और साथ में दूसरी ओर ना यहाँ पे रैली की जो तैयारियाँ हो चुकी है। मैं भी फटाफट फ्रेश होकर रेडी तो हो चुकी हूँ। बस आपको ये बता दूँ कि यार स्क्रीन पे दिखी गई आईडी जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने अभी ना एक भगवा रील ऐड की है, तो फटाफट उसको वॉच करो और हम नीचे चलते हैं, क्योंकि रैली भी आपको दिखानी है ना, बहुत कुछ है। वीडियो के एंड तक यार पक्का बने रहना। और बच्चे ना भजन कीर्तन करते हुए राम नाम का गुण गाते गाते ना रैली के पास गए, और फिर वहाँ से रैली को उठा कर ना पूरे गांव में घूमने के लिए निकल पड़े थे। ये लोग ना मेरे घर से ही निकले थे, बस मेरी मम्मा को जाना था इसीलिए उनकी तैयारी में मैं ना यहाँ से सिर्फ आपको दिखा रही थी। और ये हमारे प्यारे राम जी जो कि मस्त अपनी ना ये थार वाली जीप में जा रहे थे और पूरा गाँव का चक्कर लगाया, जो कि बहुत ही अमेजिंग था भाई। वैसे तो मैं गाँव में नहीं गई थी, पर गाँव से ये पूरी बाहर निकलने वाली है, तो उसका व्यू आपको पीछे वाली वीडियो क्लिप में दिखाई देगा, तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखो, बहुत ही मजा आने वाला है। वैसे तो ये रैली में ना 6 ट्रैक्टर थे यार, और 2 थार थी, और ढेर सारी कार भी थी, साथ में डीजे था और पब्लिक भी। दोस्तों आज का ये नीला आसमान जो बहुत ही रंगीन लग रहा है, वो भी भगवा से रंगा हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी मम्मा तो ऑलरेडी रैली में ज्वाइंट हो चुकी है। अभी मैं आपको ना लाइव अयोध्या में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो घर पर मैं बताती हूँ आपको, वो भी आप देख लो, फिर हम ना रैली में ज्वाइंट होने वाले। आवे कर श्री राम, जय श्री राम। आओ कर आओ, छाती ठोक के बोलो सनातनी हिंदू। जय श्री जय। अभी माते का मॉर्निंग, वे मारी माते एक ना लिया वेला भी टी शर्ट अला इन्हें नहीं, तो बॉम्बे नहीं गए, लंदन नहीं हो लाइन आऊ थी तारे के भाई छे ओला वादड़ आखू छवाई गौ छे। ओए का चारे चार एक पर बेसी जे, एक तू आगर भेजा नीचे, अमे कोमल पाछर भेजिए ओला यार मैं कई बेसी हम मने लटकाओ से आगे फरता जी ओला आपकी गाड़ी ओला उभा रे जल्दी रे उभा रे जो चंपल निकली बैठ बैठ उभा रहा उतर उतर भाजा चो भाई जा गाड़ी में चल अल्लाह किक मारो दोस्तों हमारे गांव के एंट्री गेट पर ना एक मिनी थिएटर बनाया गया था, जिसके माध्यम से ना अयोध्या लाइव में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सारा यहाँ के लोग देख पाए। फिर हम ना रैली में ज्वाइंट हो चुके थे, वैसे तो गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, पर हम ना 4 बंदर थे।
दोनों के बीच में ना चूहे की तरह बैठना पड़ा, जगह ही नहीं दे रहे। सच बोलूं तो मेरे दोनों भाई की ना इतनी गंदी बकवास कि दोनों में से कोई गाड़ी चलाने के लिए तैयार ही नहीं था यार, तो हमें रैली में से बाहर निकलकर उनकी बकवास सुननी पड़ी यार पहले तो। कॉपीराइट ना आ जाए ना, इसलिए म्यूजिक को मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। और गाड़ी पर ये देखो आगे हनुमान जी बैठे हैं रक्षा करने के लिए हमारे प्यारे राम जी की, और पीछे राम जी खड़े हैं, जो कि इन दोनों का प्रेम ना बहुत ही अद्भुत है भाई। सपना राम जी के नाम और गाने पर सारे लोग ना लिंग हो गए थे, पर ये बंदा पता नहीं छोटू सा आया पर इतना घमंड कि मेरे को इसे घूर घूर कर देख रहा था, मैंने उसकी वीडियो ले ली ना इसीलिए। हमारे गांव के ना छोटे छोटे बच्चों ने ये रूप धारण किया था, हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे यार सब लोग। पूरी रैली खत्म हो चुकी है, वहां पर ना बड़ी स्क्रीन पे सारे लोग तो वहां पे देख रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो घर पर ही आकर लाइव देखती हूँ जो अयोध्या में क्या हो रहा है। साथ में मम्मी ने बनाई ये गुजराती टाइप के डंगेलो जो कि बहुत ही लाजवाब बने हैं भाई, क्या ही बताऊं। मोदी जी भी आ चुके हैं अयोध्या, वो दोपहर के ना 3 बजे तक की है, फिर वो वहाँ से चले जाएंगे। मैं आपको ना सब कुछ तो नहीं दिखा पाऊंगी, पर जितना हो सकेगा ना वो इस वीडियो में दिखाऊंगी। वाओ कितना मस्त है भाई अंदर से तो देखो, मैंने कल की वीडियो में ना आपको ये बताया था कि अंदर से पूरा महल जो अयोध्या हमारे रामलला का है बहुत ही गजब का लग रहा है, और अभी तो मैं लाइव भी देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ, क्या गजब लग रहा है यार। कितना इंतजार करवाओगी यार, मैं तड़प रही हूँ देखने के लिए हमारे रामलला को। और अभी ना मोदी जी यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं राम मंदिर में, क्या बाहर कैसी पब्लिक भीड़, क्या कुछ बहुत कुछ है, पर मैं कुछ नहीं देखा क्योंकि मुझे अपने रामलला को देखना है और आपको भी दिखाना है, तो यार ये देखने के बाद ही हम बाहर चलेंगे। गाइज हमारे रामलला की आरती स्टार्ट हो चुकी है और उनके भव्य दर्शन जो आपके सामने, ये बहुत ही अद्भुत है भाई, क्या लग रहे हैं हमारे यार रामलला। गाइस 500 साल बाद हमारे रामलला ना अयोध्या आ चुके हैं और इंतजार की घड़ी वैसे भी खत्म हो चुकी है, आज हमारे रामलला के ना दर्शन हो गए और उनकी प्रतिमा देखकर ना पूरा टेंशन ही दूर हो चुका है, इतना दिल ना गदगद हो गया है यार खुशी के मारे। तो फिलहाल अभी ना हमारे श्री पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों ना अयोध्या में आरती चल रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठती हूँ उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर के आंगन में ना ढेर सारे लोग आकर बैठ गए अड्डा जमाकर, क्योंकि अभी होने वाला है भंडारा स्टार्ट, तो आप समझ सकते हो यार, तो उसका भी मैं व्यू बिताऊंगी आपको। तो वीडियो एंड तक बने रहो, अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं सिटी में भी जाने का सोच रही हूँ, तो यार वीडियो के एंड तक पक्का बने रहना, बहुत ही मजा आने ये भंडारा है भाई। गांव की पब्लिक के साथ ना दो और गांव, साथ में 2-3 सोसाइटी वाले सारे लोग ना घर के बाजू में ही थे, और मेरी दीदी ने ना ये दोनों अटल खोपड़ी को मेरे पास छोड़ के चली गई खाना खाने के लिए खुद। एक है बंदी जो हंसी जा रही है मेरे को देखकर, बस हंसना ही उसको आता है, और दूसरा ये बंदा जिसे देखकर तो बस मासूम सा चेहरा लगाकर बैठा है। फिर सारे दीदी, मम्मा, मेरी बड़ी मम्मा, सब लोग आकर ना यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए थे। सस्ता चारा चश्मा पकड़ पकड़ तेरा सस्ता चश्मा। 500 साल बाद दीपावली तो मनाएंगे ना हम दूसरी वाली, वो भी हमारे राम जी आने की खुशी पर, तो मैंने ना घर में सारी जगह पे दीप जला लिए और गांव में ना फटाके फोड़ने स्टार्ट हो चुके थे। हमारी ब्रेक नहीं मारती, चल आगे खस, चगिया कर थोड़ी, अल्लाह भाई थोड़ी चगिया चाहिए, बस जवा दे आवे, पहले सीधे पेट्रोल पंप पर जवा दे जा। दीपावली के इस दिन पर ना गाँव के बाहर एंट्री गेट पर ना ये बहुत ही गजब की लाइट लगी थी। ₹30
60 रुपया ना लो 100। बचपन में ना मुझे कुत्ते ने काटा ना, तब से कुत्ते से बहुत डर लगता है यार मुझे सच्ची। बहुत प्यार आई गया ने जो ने पूछड़ी हलावे छे तारा माटे। ले ले उमा 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 अला नहीं अला अला नहीं बोलाई रे बोलाई 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 नाला खासे इतलो प्यार ना बताई इसला लोको प्यार मा नफरत बो आले छे। तने धोखो नहीं मड़ियो आई जा चल। कुत्ते का हो या कुत्ते का हो मासूम चेहरा सबको घायल करता है। ओछो टाइप कर ला। स्माइल जो ना बताने वाली चीज भी बता देती है। ओहो जरा फोन माथी थोड़ू माथू काढ़। तो छोकरियो जोवानु बंद कर ला बंद कर। जय जय श्री राम जय श्री राम। मेरे घर से सीधा मांडवी चले गए थे पर वहां पर इतना ट्रैफिक प्लस कि ना सारे रूट भी बंद कर दिए थे यार, पूरा ब्लॉक किया गया था रोड। पता नहीं सिद्धू सिद्धू जा दे ला अला क्या बंद है ला चालिन है गाड़ी ना चालिन नहीं आम थी फरीन जाइए फरीन जाइए फरीन में जा के पर अंदर हम ना सो चाले जे। एक काम कर यू टर्न ले ले अंदर नहीं जाऊं। અહીંયા બી રસ્તો બ્લોક કરેલો છે કામ કરે ચાલતા જવું છે। દીવાને બધું ડેકોરેટ કરી જો જો અહીંયા ઘડી આ રહું સામે જ બે યાર જોવા જ નહીં મળ્યા આમ મેરે સીને। मांडवी जाने के लिए ना चारों ओर से ब्लॉक किया गया है रास्ता, ना कि मैं आपको व्यू दिखा पाई ना ही मैंने खुद ही दिखा, पर हमने ना घूम फिर के एक गली में से निकले ना। जैसे तैसे करके ना हम सिटी के ट्रैफिक में से जैसे ही बाहर निकल कर अकोटा पहुंचे तो भाई यहाँ पर भी हमारे रामलल्ला की रैली आ चुकी थी। जय श्री राम बोलो दोस्तों, दोनों भाइयों ने ना मेरा आधा सिर खा गए थे यार। वैसे भी हमें कुछ खाना नहीं मिला, पूरी सिटी में इतना ट्रैफिक कि पूरा एक घंटे तक ना ऐसे घूम घूम कर वापस हम जहां पर निकले थे ना बस वही जगह पे आके अटक गए थे यार। उतना गंदा था ट्रैफिक यार सच। वाओ अबे नीचे उभी रहता लेना बनता है विथ माई बिग ब्रदर्स। फिर हम तीनों लोग ना चले गए थे रात्रि बाजार जहाँ पे हमने ड्राई मंचूरियन का ऑर्डर दिया था। एंड मैं वीडियो भी यहाँ पे खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स में बोलो और लिखो जय श्री राम टट्टा। बाय बाय।